गाइस, मैं आज रिव्यू करने जा रही हूँ बुलबुल का। बुलबुल ये है चुड़ैल की कहानी। इसको देखने के लिए आपको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है। ये चला डरावनी भी ठीक ठाक है। स्टोरी बहुत ही स्लो चलती है। मैं आपको इसका स्पॉइलर नहीं दूंगी, आप इसको देखिए तभी आपको मजा आएगा। इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें महिला सशक्तिकरण को दिखाया गया है। नहीं नहीं, इसे नहीं कह सकते सशक्तिकरण। चुड़ैल बना के कोई सशक्तिकरण को दिखा सकता है? ये मूवी सिर्फ 1.5 घंटे की है, ये सबसे अच्छी बात है इसकी। लेकिन फिर भी आपको लगेगी कितनी स्लो जा रही है। लेकिन इसमें एक बात दिखाया गया है कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं करना चाहिए। ये मूवी कई सामाजिक मुद्दे और डोमेस्टिक वायलेंस को उठाती है, लेकिन लोगों को चुड़ैल भी बनाती है। ये इसकी गलत बात है। अत्याचार होता है तो उसका अंत भी कोई करता है। अत्याचार का अंत करने के लिए इसमें चुड़ैल आती है जो कि इसकी मेन हीरोइन है। लेकिन इसका सिनेमेटिक वर्क बहुत ही अच्छी तरीके से किया गया है। रेड लाइट को बहुत अच्छी तरह से यूज किया गया है पूरे सेट पर। चुड़ैल आने का दृश्य देख के घबराहट होने लगती है, लेकिन काफी कम सीन है जिसमें आपको डर लगेगा। जितने भी सीन है काफी दमदार है। इसमें आपको डरावना फेस नहीं दिखेगा। इसमें क्यूट से प्यारे से एक मेन हीरोइन है, उसी को बोलते हैं लोग चुड़ैल। ये उन आदमी को मारते हैं जो औरतों पर अत्याचार करते हैं। प्लीज डोंट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। थैंक यू दोस्तों, मेरे रिव्यू को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।